हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से, आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से, मेजोरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। एमपी तो बना ही देते हैं, एमपी तो फिर बना देते हैं वो, लेकिन जो काम सरकार में होते हैं, जो गवर्नमेंट से काम किसी स्टेट के लिए किए जाते हैं, उसे प्रायोरिटी देके ये फैसला लिया गया है। बीजेपी ज्वाइन करने का क्या सिर्फ यही मोटिव है कि पीएम से लगातार बातें हो पाएगी, संबंध से बैठ पाएगा, या कोई नीति आप? मैंने जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से या हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब भी कोई पंजाब के लिए बात की है तो उन्होंने उसे हमेशा हां पक्की, हमेशा उसे पॉजिटिव तरीके से लिया है, और आगे भी मेरी ऐसा हमेशा उनसे बातचीत होती रही है भाई पंजाब आगे कैसे लेके जाना है। हर थोड़ी है पंजाबी कोई गोलियां खाता रहेगा या पंजाबी डंडे खाता रहेगा, वो चीजें हम सामने आके उसे पंजाबी को सेव करेंगे, क्योंकि बहुत चीजें हैं, देश ले रहा है तो पंजाब को क्यों ना मिले। सिर्फ एक काम ये है, अभी कोई नुमाइंदे एक बने थे, एक नुमाइंदा बना था वहां से गुरदासपुर से जहाँ, और से वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके जिस वजह से नुकसान हुआ है, तो अब अच्छी तरह हम बीजेपी के वहां से एमपी जीत के आएंगे और पंजाब का बनता हुआ, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, देश को रक्षा करने वाली वो स्टेट है, तो उसका हक है जो वो यहां से लेके जाएंगे। इसीलिए ये फैसला, बहुत चिर से मेरी बातचीत उनसे हो रही थी और जब उन्होंने ये कहा भी हम पंजाब के लिए ये चीजें करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम जाएं? किसानों के लिए भी आप लोग काम करें 100% किसानों के लिए। एक साल मैं तो धरने पे बैठा रहा हूँ, आपको पता है जंतर मंतर पे बिल वापस हुए, अब किसानों के पक्ष में बातें करेंगे और अच्छे काम करवा के लेके जाएंगे उनसे। नहीं, मैंने कभी भी नहीं, मैंने कभी भी आज तक मुद्दों के सिवाय पर्सनल किसी की बात नहीं की, मुद्दों की बात की है और अपने पंजाब के लिए और अपने लोकसभा के लिए हल्के की बात की है। कभी मैंने कोई, अगर कोई ऐसी बात होती, पहली बात तो मैं ज्वाइन ही क्यों करता, और दूसरी बात ज्वाइन मुझे करवाता कौन, अगर कुछ है तभी है। तो यही लोगों का मन था भी अगर आप, हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से, आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से, मेजोरिटी से वो आ रहे हैं। जो कुछ पंजाब वाले ले सकते हैं, क्योंकि अगली सरकार पिछले 10 साल भी अगे भी सरकार मोदी जी की आनी है, तो असी वो ब्रिज बन के, वो पुल बन के काम करांगे भी पंजाब के किसानों लिए, पंजाब के मजदूरों लिए, पंजाब की इंडस्ट्री लिए, पंजाब के दुकानदारों लिए, जिहड़ी एक बहुत बड़ा उत्थे लोड़ आ इस गैप नूं भरन लई, एक ब्रिज बन के करांगे। हुण मैं हिंदी च बहुत ही जां शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मेरे बहुत ही गहरे निजी संबंध पिछले 10 साल से श्री अमित शाह जी, हमारे साथ के प्रदेश के प्रधान जेपी नड्डा साहब, हमारे बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने अभी ज्वाइन कराया विनोद तावड़े जी, संजय जी और खासतौर ओम पाठक जी। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं भी एक शहीद परिवार से, सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब में, बहुत अंधेरे का समय भी देखा है पंजाब में और कैसे पंजाब को ठीक किया वो भी देखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे और करना चाहते थे, लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई। एक गैप पंजाब में जो एक पुल का, ब्रिज का काम करने की जरूरत है किसानों को साथ लाने की,
वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम, क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है, तो हम क्यों पीछे रहें, हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे। तो इसे देखते हुए बहुत, चाहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ जी हो, बहुत अच्छा पंजाब में, चाहे बीजेपी, मैं जानता हूं सारे पुराने लीडरशिप को जिन्होंने टेररिज्म टाइम काम किया था मेरे दादाजी के साथ, चाहे मदन मोहन मित्तल जी हो, चाहे हमारे लक्ष्मीकांत चावला जी आज हो, बहुत मजबूती से उन लोगों ने उस टाइम काम किया था, सारी बीजेपी आरएसएस ने मिलके पंजाब को शांत किया था। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं वही भाईचारा, वही प्यार, वही आपसी प्यार जैसे देश में, पंजाब में वो बने। कोई ऐसी बात नहीं है कोई किसानों से या किसी और से कोई प्यार नहीं है, ये मैं पार्लियामेंट में देखता रहा हूं। लेकिन एक टाइम था अकाली दल ने ये बिल के, ऐसा बिल लेके आए और सपोर्ट कर दिया जिससे ये गमरा कर, और अब उससे पीछे हट गए, पीछे अकाली दल है। तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से, मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, खासतौर पर फिर एक बार हमारे विनोद तावड़े जी का और सारी टीम का और मीडिया का मैं बहुत ही बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।